मैं वंदना जोशी आज आपको बताऊंगी कि रसीली बूंदी कैसे बनाई जाती है। अब रसीली बूंदी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो यहाँ मौजूद है। यह एक कटोरी बेसन हमने लिया है, और एक कटोरी बेसन जब बूंदी के लिए लेते हैं तो उसमें डबल शक्कर लगती है, ये दो कटोरी शक्कर है। और ये जो है केसरिया खाने वाला रंग है जो बाजार में सूखा मिलता है, इसको हमने पानी से घोल के इसमें पानी से घोल लिया है। और ये शुद्ध घी है, तो शुद्ध घी में हम बूंदी को तल लें, मतलब डीप फ्राई करेंगे। बूंदी बनाने के लिए जो ये झारा होता है, ये बूंदी का ही झारा कहलाता है। इसमें सब तरह के झारे आते हैं, बारीक बूंदी का झारा भी आता है, मोटी का भी आता है और मीडियम साइज। तो ये जो झारा है बूंदी का, ये मीडियम साइज है, तो हम इसमें इसके द्वारा हम बूंदी बनाएंगे। सबसे पहले हम गैस जला के बूंदी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो इसमें हमने दो कटोरी पानी लिया है, और ये जो दो कटोरी शक्कर है ये इसमें हम डाल देते हैं। अब ये चाशनी तैयार होगी, इसको थोड़ी देर के लिए हिलाना पड़ेगा, जब तक शक्कर नहीं गलेगी तब तक हिलाएंगे। फिर जब शक्कर गल जाएगी तब हम हिलाना छोड़ देंगे, और फिर ये अपने आप ही उबलती रहेगी। तो इसको एक तार की चाशनी हम बनाएंगे। अभी हमारी शक्कर घुल गई है, और इसमें हम ये जो है केसरिया कलर है ये हमने इसमें डाल दिया है। अब जब एक तार की चाशनी आ जाएगी तब हम इसमें बूंदी बना के डालेंगे। तो अब ये उबल रही, जब तक हम इसमें घोल तैयार कर लेते हैं। ये हमने बेसन इसमें डाल लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे। इसका घोल ना तो बहुत पतला होता है ना बहुत गाढ़ा रखते हैं, इसको बीच का घोल हम बनाएंगे, जिससे बूंदी का जो आकार है वो अच्छा आएगा, गोल मटोले एकदम। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोलेंगे, और थोड़ा पानी डाल के घोलने से इसमें घुसली नहीं पड़ती है। ये हमने घोल लिया, लेकिन अभी ये थोड़ा ये गाढ़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा एक चम्मच पानी और डालेंगे। बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो भी बूंदी अच्छी नहीं बनती, और बहुत गाढ़ा रहता है तो भी अच्छी बूंदी नहीं बनती। अभी एक चम्मच और डालेगा इसमें पानी। अब ये हमारा घोल तैयार हो गया है। ये जो घोल है वो ऐसा होना चाहिए, ये हमारा घोल तैयार हो गया। अभी ये चाशनी होने में अभी थोड़ा इसका टाइम है, तो 5 मिनट और लगेंगे इसको तैयार होने में। एक तार की चाशनी हो जाएगी तब हम इसको बंद कर देंगे गैस को। ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसको हम एक तरफ रख के, और फिर अब घी की कढ़ाई रखेंगे, शुद्ध घी की। ये हमने इसको यहाँ रख दिया है। घी जो है हमारा शुद्ध घी बहुत तेज गर्म हो गया है, और तेज गर्म में ही हम बूंदी निकालना चाहिए, वरना वो अच्छी नहीं होती है। अब ये थोड़ी थोड़ा हम डाल के इसमें बूंदी को ऐसे निकालें। अब ये जो तेज गर्म हो गया है घी, तो उसमें एकदम बूंदी ऊपर आ जाती है। ये इसका आकार बहुत अच्छा आया बूंदी का, बिल्कुल गोल मटोल आई है बूंदी। इसका जो घी है वो तेज गर्म में ही बूंदी को डालते हैं,
वरना वो बैठ जाती है और बूंदी अच्छी नहीं निकलती। बूंदी हो गई है वो डायरेक्ट हम इसको चाशनी में डाल के एकदम ऐसे दबाते हैं। इसको दबाना पड़ता है बूंदी को। फिर ये थोड़ा अच्छा रस पी लेंगी। इसमें क्या दो जने की जरूरत पड़ती है, एक जना दबाता जाता है बूंदी को चाशनी में और एक बूंदी निकालता जाता है। अब ये बूंदी हम वापस से डाल रहे हैं। ये देखिए ये ऊपर आ गई है बूंदी। अब बाद में भले ही आप इसको आंच को थोड़े कम कर सकते हो, मीडियम आंच रख सकते हो या मध्य भी कर दे बिल्कुल लो पे। अब ये हमारी बूंदी तैयार हो गई है, हम इसको निकाल के वापस इसमें डाल रहे हैं। बस बूंदी का घोल अच्छा तैयार होना चाहिए। ये हमारी रसीली बूंदी तैयार है और इसको जितना ज्यादा आप इसमें रस में दबाते जाएंगे, ऐसे दबाना पड़ती है, तो जितना ज्यादा आप दबाएंगे उतना ज्यादा ये बूंदी रस पी लेगी और फिर खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरा ये रसीली बूंदी का वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।